नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे कोचिंग सेंटर एम पीके साहू सीधी में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो हमारे आपको बोर्ड में जो दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये जिस प्रकार से हमने उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण पढ़े हैं, आप पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, थ्योरी पढ़े हैं और उसका हर चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब उसी संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम दो तीन वीडियो जरूर डालेंगे। ये जो वीडियो साथी, ये वाला जो आया है वो CGTET 2016 में आया हुआ है और ये 2017 में आया हुआ है, ठीक है ना। सॉरी, इसी का हम रूप ले रहे हैं कि इसी के अनुसार ये प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है। 2017 में जो क्वेश्चन आए हैं हम उसको भी देखेंगे जस्ट इसके बाद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न किस प्रकार से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। एक एफ लंबाई का उत्तल दर्पण वस्तु के 1/90 आकार का प्रतिबिंब उत्पन्न करता है, वस्तु का दर्पण से दूरी। यहाँ पर देखो, दर्पण से वस्तु के 90 आकार का प्रतिबिंब उत्पन्न, 90 आकार गुना में जब भी दिया हो तो समझ जाना वो रैखिक आवर्धन है। क्या है वो? रैखिक आवर्धन है। यहाँ पे एफ लंबाई का उत्तल दर्पण बोला है। यहाँ पर देखिएगा, उत्तल दर्पण पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो साथियों, ये देखो, ये उत्तल दर्पण इस प्रकार से रहता है, उत्तल दर्पण में हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब का रैखिक आवर्धन हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, और रैखिक आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है इसका। तो याद रखिएगा, ये दिया है m रैखिक आवर्धन 1/90 आकार का, तो m बराबर कितना दिया है? 1/n रैखिक आवर्धन दिया हुआ है। और हमको क्या निकालना है? वस्तु की दूरी, मतलब हमको u का मान निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है रैखिक आवर्धन का? m बराबर होता है -v/u, ठीक है। तो यहाँ पे m बराबर कितना दिया हुआ है? 1/n बराबर -v/u, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, याद रखिएगा, तीरा गुना कर देंगे। यहाँ पे आपको प्रतिबिंब की, ठीक है ना, वस्तु की से दूरी निकालना है, तो हमको यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब को निकालना है। -v बराबर, पक्षांतर करूँगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनका गुणा इनके साथ करूँगा तो nv हो जाएगा, ठीक है। माइनस है, बराबर कितना हो जाएगा? u, तो v बराबर कितना हो जाएगा? -u/n, कितना हो जाएगा? v बराबर -u/n हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना, क्या है हमारे पास, v का मान निकल गया, अब u का मान निकालना है, ठीक है ना, u का मान निकालना है। तो हमको क्या करना ही पड़ेगा, दर्पण सूत्र से मान निकल, दर्पण सूत्र होता क्या है इसका, आप सभी जानते हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f लंबाई का उत्तल दर्पण वस्तु के 90 आकार का, तो फोकस भी इसकी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो 1/f करेंगे बराबर 1/v, v का मान कितना निकालें? -u/n, तो यहाँ रख देंगे -u/n। प्लस u का मान कितना है? हमको u का मान पता नहीं है, u का मान हमको 1/u ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो n है वो पक्षांतर करेंगे, ऊपर चला जाएगा ये, तो n बटे क्या हो जाएगा? u प्लस 1/u, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? LCM आ जाएगा u, ये हो जाएगा -n+1, इतना समझ में आ गया। अब तिरा गुना करेंगे तो u u हो जाएगा, उधर चला जाएगा -n+u, मतलब f, ठीक है। तो u बराबर क्या हो जाएगा? -n, माइनस बाहर निकाल दूंगा, तो ये -1 हो जाएगा, -1 × f। तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में आता है। तो यहाँ पे माइनस के साथ आपको आंसर नहीं दिया रहेगा, ये माइनस केवल पहचानने के लिए कि प्रतिबिंब माइनस में होता है या प्लस में होता है। देखो, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक होता है ना, और वस्तु की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा आया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, ये देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ये माइनस को कभी कभी माइनस भी दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो यह आई होप इसको समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटिव क्वेश्चन यदि आपको इस प्रकार से दे दे, देखिए
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखें। देखो दूरी निकालने के बोला, कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब नहीं दिया रहेगा फिर भी आप समझ जाएंगे कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, के आकार का 1/5 गुने के बराबर हो। तो क्या करेंगे, यहाँ भी एम बराबर कितना दिया हुआ है 1/5, ठीक है। यहाँ भी हमको वस्तु की दूरी ज्ञात करना है, कितनी दूरी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक रैखिक आवर्धन है, तो रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर माइनस वी बटे यू। तो m का मान कितना दिया है 1/5 दिया हुआ है, माइनस वी बटे यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, तीरा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस यू बटे 5। तो v का मान निकल गया, हमको इसका मान निकालना है। तो फिर भाई दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना, इतना होता है। तो 1/f मतलब f केवल, f का मान कितना दिया हुआ है, f बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको धनात्मक में ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/f बराबर v का मान कितना दिया हुआ है, माइनस यू बटे 5। माना कि उत्तर दर्पण का प्रतिबिंब माइनस नहीं होता, धनात्मक होता है, लेकिन यहाँ जो मान आया उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ प्लस 1/u हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऊपर चला जाएगा तो 1/f हो जाएगा, ये ऊपर चला गया, 5/u हो गया माइनस में, प्लस 1/u, क्योंकि f का मान कितना है यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/10 हो गया, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5+1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/10 बराबर माइनस 4/u, तो यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 40 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु को यदि हमको 40 सेंटीमीटर पर रखे, माइनस 40 सेंटीमीटर पर, तो इसकी दूरी, इसकी लंबाई कितनी बनेगी, 1/5 गुने के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा, मतलब एक प्रश्न जो 2016 में आया था, 2016 के आधार पर मैंने उसके आंकड़े प्रश्न भी बनाने का प्रयास किया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखो माइनस आया है, तो यहाँ पे माइनस लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर पर रखेंगे उसको तो इतना मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो और। चलिए हमारा तीसरा और चौथा क्वेश्चन है जो कि ये 2017 में आया था, ठीक है। इसी के अनुसार मैं दूसरा क्वेश्चन भी बना के दिखाऊंगा आपको कि इसके रिलेटिव ये क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम प्रश्न पढ़ते हैं। बी लंबाई की एक छोटी सी रैखिक वस्तु एफ फोकस दूरी अवतल दर्पण की अक्ष के अनुदिश दर्पण से ध्रुव की u दूरी पर रखा गया है। दर्पण के ध्रुव से u दूरी पर रखा गया है, तब प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। थोड़ा सा हटके है लेकिन बहुत मज़ेदार है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। हमको इसे इस प्रकार से बनाना है जैसे दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र, जैसे कि दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इसको करना क्या है आपको, 1/f बराबर ये, इसको हम करना क्या है, u जो v है माइनस 1 कर देना है, ऊपर ले जाना है, और u को भी ऊपर ले जाना है, तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या करना है फिर आपको, अवकलन करना है। अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है। देखो ये क्या हो जाएगा, f जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नियतांक है। तो ये हो जाएगा बराबर v माइनस 1, है ना, ये जो है माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे du हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, u माइनस 2 du हो जाएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है
क्या लिख सकते हैं इसको, डी यू वी को नीचे आएंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा माइनस यू, यहाँ जो डी यू है इसको यहाँ रखेंगे, यू को नीचे लगा तो यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब करने क्या है इसको, अब क्या करेंगे, इस जीरो को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो जीरो को मैं यहाँ लिखूँगा तो हमको करना क्या, ये वाला जो है इसको हम पक्षांतर करेंगे, या कह सकता हूँ मैं इसको पक्षांतर अधिक कर दूँ ये वाला, तो ये हो जाएगा डी वी बटे यू वी स्क्वायर, ये पक्षांतर कर दूँगा उधर तो डी यू बटे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रश्न नहीं, अब मैं इसको इधर पक्षांतर कर देता हूँ, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो डी वी बराबर वी स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला जो है यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस रहेगा यहाँ पे। तो हम इसको ये जो डी यू है यहाँ पे यहाँ लिख सकता हूँ, और डी वी बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बटे यू का होल स्क्वायर डी यू, ये माइनस में यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दिया, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण एक। अब क्या करना है आपको, पुनः पुनः आपको दर्पण सूत्र लेना है। ठीक है, दर्पण सूत्र लेना है, और दर्पण सूत्र लेने के बाद क्या करेंगे, एक बटा एफ बराबर एक बटे वी प्लस एक बटा यू। अब क्या करेंगे, पूरे समीकरण को क्या कर दो, u से भाग दे दो, मतलब सॉरी u से गुना कर दो, तो u बटे एफ हो जाएगा, यहाँ से u बटे वी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ भी u, यहाँ भी u, यहाँ भी u, तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये एक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक को इधर पक्षांतर कर दो, या u बटे वी बराबर ये हो जाएगा इधर, तो u बटे एफ माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो ये इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, और इसको आप तिरक गुना करेंगे तो u माइनस एफ, एफ का एफ ही रहेगा। ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए, v बटे यू कर देंगे तो ये भी f बटे क्या हो जाएगा, u माइनस एफ हो जाएगा। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना u बटे एफ के मान को आप समीकरण एक में रख दो, यहाँ यहाँ रख दो यहाँ। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो सीधी से बात है डी वी बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, तो यहाँ पे एफ बटे यू माइनस एफ पूरे का होल स्क्वायर, और जो यू है ना, यहाँ पे ए लंबाई बी लंबाई बोला गया है तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, बी लगा देंगे, ये बी, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा ये माइनस, चूँकि कौन सा है, ये आपका अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, तो वास्तविक बनने के कारण इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, तो माइनस में होगा वो पहचान है उसका, और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया हो क्या आया है, ये वाला आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो ये सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, सॉरी ये वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन ये जो दो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको निकालने हैं। अब देखते हैं इसी से संबंधित, 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी या 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ है जिसको 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष के अनुदिश, जिस प्रकार से अक्ष उसी के अनुदिश इस प्रकार रखी गई है कि ध्रुव की ओर वाला एक सिरा, ध्रुव की ओर उस छड़ी का एक सिरा दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रहता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई, इसका कहने का अर्थ है बता रहा हूँ मैं, ये देखो इस प्रकार से ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अब छड़ी को अक्ष के अनुदिश, मतलब ये अक्ष के अनुदिश इस प्रकार से रखा गया है, इस प्रकार से इसकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी मतलब इस की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, किसकी, अवतल दर्पण की। तो छड़ी को छड़ी के एक सिरा, छड़ी की एक सिरा मतलब ए जो है दर्पण से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर है, मतलब यहाँ से 10 सेंटीमीटर और जोड़ देते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर के दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी ज्ञात करना है। तो क्या करना है आपको, सिंपल है, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से सिरा ए के लिए, ठीक है सिरा ए के लिए, तो सिरा ए के लिए यहाँ तो फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 10 दिया हुआ है, तो फोकस दूरी माइनस 10 होगा,
और यहाँ पे वस्तु की दूरी यू यू बराबर यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20 सेंटीमीटर है, एक सिरा 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है तो यहाँ पे जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला है हमारा दर्पण दर्पण जो सूत्र है 1/a बराबर 1/b प्लस 1/u, इसमें हमको मान रखना है। ठीक है, जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f। अब f का मान क्या है, फोकस कितना है माइनस 10 है। अब प्रतिबिंब हमको निकालना है तो 1/b हो जाएगा प्लस 1/ कितना है माइनस 10 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 1/b बराबर कितने हो जाएंगे, ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस में है ना, तो 1/-10 प्लस 10, माइनस का उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/b ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी गलत निकला है, एक मिनट है ना, इसको इधर पक्षांतर करना है ना 1/b, तो 1/10 तो कितना हो जाएगा प्लस का माइनस इतना हो जाएगा, ये माइनस है माइनस प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/b तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, तो 1/b बराबर कितना हो जाएगा 1/-20, तो v का मान कितना आ जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर, मतलब a की जो सिरा है माइनस 20 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब वही नीचे पर बनेगा, मतलब यहीं पे बनेगा मान के चलो, इसका जो प्रतिबिंब a है उसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा क्योंकि इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब हम सिरा a के लिए इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। अब सिरा b के लिए निकालते हैं, ठीक है मैं ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है यहाँ से यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिरा बी के लिए, सिरा बी के लिए हमको जो दूरी है उसको पहले देखना पड़ेगा, वस्तु की दूरी, तो यू बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है ना, प्लस छड़ी की लंबाई कितनी है 10 है, 10 हो जाएगा, तो यू बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, फोकस तो जानते हो फोकस कितनी है माइनस 10 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए इसको हम वी डैश दे देते हैं, क्या दे देते हैं वी डैश, क्योंकि हम वी निकाल चुके हैं तो वी डैश पहचान के लिए, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा दर्पण सूत्र से 1/f 1/v प्लस 1/u, तो 1/-10 हो जाएगा बराबर 1/v डैश प्लस u का मान कितना है माइनस 30 है, तो 1/-30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो इधर आ जाएगा ये 1/v डैश, इसको पक्षांतर करूँगे ये माइनस में है, इधर इसको पक्षांतर करूँगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/-10 यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 1/30, तो 1/v डैश बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे माइनस 30 प्लस 1। ठीक है, तो 1/v डैश बराबर कितना आ जाएगा माइनस 30, इसको भाग देंगे 1/v डैश तो कितना आ जाएगा ये 1/-15, मतलब इसको मैं मिटा देता हूँ ये वाला। ठीक है, अब नोट करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 1/v डैश बराबर कितना हो जाएंगे, वी डैश बराबर कितना हो जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि एक इसका सिरा कहाँ पे बन रहा है 15 सेंटीमीटर पर बन रहा है, इधर मतलब यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर पर बना, यहीं पे बना एक प्रतिबिंब, और एक प्रतिबिंब जो बी सिरा है वो कहाँ पे बन रहा है 15 सेंटीमीटर पर है, तो सीधी से बात है दोनों के बीच की गैप कितना हो जाएगा, देखो 20 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है यहाँ पे घटा देंगे माइनस 15 को, सिरा ए की सिरा 20 सेंटीमीटर पर बना और बी की सिरा 15 सेंटीमीटर पर बना, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा,
तो माइनस 20 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा, माइनस 5 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो आंसर है 5, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही आंसर होगा, मतलब 5 सेंटीमीटर आएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाने हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 4 क्वेश्चन, आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।